जीप में कूदते हुए, हाथों में बंदूक, सफेद झंडा गाड़ी पे। सत्रह अगस्त और हिचहाइकिंग का एक और भी खतरनाक दिन। खतरनाक इसलिए क्योंकि आज का जो सफ़र है वो है लगभग 400 से ज़्यादा किलोमीटर का। कल मैं पहुंचा था कोगुल, ऐसे कोई नाम की जगह थी, फिर भूल गया। एक्चुअली जगह के नाम याद करते करते, बीच में गांव के नाम याद करते करते परेशान हो चला हूँ। इनफैक्ट इन सब चीज़ें छोड़ते हैं, बात करते हैं कि आज हमें कहाँ जाना है। आज हमें जाना है डीप इनटू पामीर, लेकिन डिस्टेंस है 400 किलोमीटर का, जो कि ही चाइकिंग के थ्रू कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। और उसके अलावा इसमें से जो 350 किलोमीटर का एरिया है वो मुझे जाना है बिल्कुल अफगानिस्तान बॉर्डर के पास। मैं साथ में आपको मैप चला के दिखाता हूँ, ये देखो मैप पे, कि कैसे मैं इस अफगानिस्तान का जो पूरा बॉर्डर है, जो सो कॉल्ड तालिबान ने कब्जा लिया है, उसके बिल्कुल पैरेलली एक रोड चल रही है, सिर्फ 50 मीटर का डिस्टेंस है। और उस रोड से 350 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए मुझे जाना है खोरोग, जो कि मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ आज रात को मैंने सोना है। तो ये है प्लान। और सुनने में ये आया, अभी कुछ लोग वहाँ से वापस आए थे पामीर से, तो उन लोगों ने बताया कि भाई वहाँ पे काफ़ी इनको फायरिंग वायरिंग भी सुनाई दी और तालिबान के फ्लैग्स दिख रहे हैं। और स्पेशली आज के दिन जब, क्योंकि आज 17 तारीख है, 17 अगस्त है, और कल ही तालिबान ने कम्प्लीटली कैप्चर किया अफगानिस्तान को। और ये वाला पार्ट तो खैर बहुत पहले से ही, मतलब तालिबान ने कैप्चर कर लिया था, तो अभी वही प्लान है। तो अभी निकला हूँ मैं, और थोड़ी दूर आया तो उसके बाद यहाँ पे कोई हिच हाइक करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 3 किलोमीटर या शायद इससे ज़्यादा किलोमीटर मैं चल लिया था। बहुत से लोगों से पूछा लेकिन कोई भी लिफ्ट देने को तैयार ही नहीं, या फिर उस साइड पर जा ही नहीं रहा था। तो अभी फिर बहुत धक्के खा खो के किसी तरीके से एक मेरे को एक शेयरिंग टैक्सी मिली है, पर पता नहीं कहाँ तक लेके जाने वाले हैं मुझे, कितनी दूर तक लेके जाने वाले हैं। और रास्ता लंबा है, इसलिए मैंने सोचा कि प्योरली बिल्कुल जान के एक्सट्रीम उसमें ना जाके, कि भाई मैं जान के हिचाई कर रहा हूँ और खुद अपने आप को प्रॉब्लम्स में फंसा रहा हूँ कंटेंट बनाने के लिए, तो इस वजह से सोचा कि मैंने शेयरिंग टैक्सी ले लेते हैं, जहाँ तक जाती है ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलते जाएंगे वैसे करते जाएंगे। शेयरिंग टैक्सी ली थी, बीच में रुकी, अभी परमिट चेक हुआ था पीछे ना एक बार। यहाँ पे इस रीजन में आने के लिए एक स्पेशल परमिट चाहिए होता है, इसे बोलते हैं GBAO परमिट। तो ई वीज़ा अप्लाई करते हुए साथ में अप्लाई करना पड़ता है, लगभग $20 लगते हैं उसके। तो मैंने अप्लाई किया था, वो पीछे चेक हुआ, अभी मैगजीन पे थोड़ा पीने को ले लिया, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो अभी ये लेके चलते हैं आगे। अभी तक जितना पता लगा है तो लगभग 150-200 किलोमीटर मुझे ये लेके जाने वाले हैं, और यहाँ से थोड़ा सा आगे से अफगानिस्तान का बॉर्डर भी शुरू हो जाएगा, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। अभी तक का रास्ता तो बहुत सही चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी रुकावट, पीछे कुछ लैंडस्लाइड हो रहा है, उसके चक्कर में जाम लग गया है। जाम तो नहीं कहेंगे, 5-7 गाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ का जो टेरेन है ना वो बहुत अलग है, मतलब ऐसा इंडिया में देखा नहीं। लद्दाख साइड पे थोड़ा सा दिखता है, लेकिन वहाँ पे पहाड़ बहुत ऊंचे हैं और बर्फ़ बर्फ अक्सर अक्सर पासिस भी आती रहती हैं, और वैली इतनी खुली नहीं है, यहाँ की वैली बहुत खुली है। जैसे इधर को देखो, अब जाके थोड़े से ये थोड़े से बड़े पहाड़ आए हैं, अदरवाइज सारे ऐसे छोटे छोटे प्लेट्यूज ही चल रहे थे, और उनके बीच में से बढ़िया चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं, लगभग 120-140 पे गाड़ी भगा रही थी। तो एक बार तो डर भी लग रहा था, पहला 140 पे गाड़ी भगा रहा है, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। और अभी वैसे मैप पे ध्यान रख रहा हूँ, लगभग मेरे ख्याल से और 5-7 किलोमीटर में बिल्कुल हम पहुँचने वाले हैं उस खतरनाक जगह पे, जहाँ से अफगानिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है। तो थोड़ा सा डर है, बट एनीवेज अब क्योंकि हिच हाइक नहीं कर रहा, काइंड ऑफ शेयरिंग ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा सेफ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हिच हाइकिंग में टेंशन हो सकती थी कि कहीं ना मिले, क्योंकि यहाँ पे इतनी गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी है नहीं है, बहुत कम ही गाड़ियाँ दिख रही हैं, ज़्यादातर दिख रही हैं तो पूरी भरी होती हैं। तो अच्छा हुआ कि मैंने आज अभी हिच हाइकिंग का नहीं सोचा, और आगे का देखते हैं। अभी यहाँ जहाँ ये गाड़ी उतारेगी वहाँ से आगे खोरोग के लिए कैसे जाना है, तो वो तो आगे देखते हैं, बट अभी तो भाई आपका सेफ है, और रास्ते का बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुंदर रास्ता है। अभी ये क्लियर होता है तो आपको अभी आगे का रास्ता दिखाता हूँ। ये है फेमस पामीर हाईवे, जो जाता है पामीर माउंटेंस को। ये इधर गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, ज़्यादा 4x4 दिख रही होंगी,
एक क्रेन टाइप से भी खड़ी है, और थोड़ी सी पीछे जाके खड़ी है मेरी गाड़ी। अब तो दो चार गाड़ी और भी आ गई पीछे। नदी के उधर सब अफगानिस्तान है, और ये गांव है अफगानिस्तान का। हाँ अफगानिस्तान था। तालिबान का झंडा भी दिख सकता है, नजर बनाए रखो। इधर से गाड़ी भगी चली जा रही है। कुछ दूरी तो कवर की है अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ। चलते चलते पहुंचा हूं मैं एक दारूक नाम की जगह है। लगभग मेरे ख्याल से मैं 200 किलोमीटर आगे आऊँगा कुलोक से, कुलोक से जो भी था। और अभी भाई ने यहाँ पे उतार दिया, उसने कहा है यहाँ से आगे आप देखो कोई शेयरिंग गाड़ी मिलती है या फिर हिचाइक अगर कर सकते हो तो। अभी यहाँ से वैसे दूरी बची है लगभग 250 किलोमीटर की, 250 किलोमीटर और जाना है। और पीछे दादी अम्मा मेरी गाड़ी में ही थी, इनके पैसे कम पड़ रहे थे तो थोड़ा बोला मुझे पैसे दे दो, मैंने इनको दे दिए थोड़े बहुत 10-20 सोमोनी। इनको भी शायद आगे जाना है लेकिन कम्युनिकेशन गैप इतना है कि बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो पा रही है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही। तो वेट करता हूँ आगे अगली गाड़ी की, मिलते ही अपडेट करता हूँ। ये पीछे मेन हाईवे जा रहा है जिससे मैं चल रहा हूँ, और ये पीछे नदी बह रही है, शायद पांच रिवर है, बाकी मैं चेक करके डाल दूंगा क्या है। उसके उधर सारा ये अफगानिस्तान का ही एरिया है, और अभी कई 100 किलोमीटर यही पार करके आया हूँ, और अभी लगभग 200-250 किलोमीटर और इस रास्ते पे जाना है। तो बेसिकली वैसे तो इतनी कोई ऐसे टेरर वो सिचुएशन नहीं है, कोई गलत सिचुएशन नहीं है, बट कहीं कहीं एरियाज़ में आपको मिलेगी कि ऐसे यहाँ की ताजिक पुलिस मिलेगी जहाँ से घुसपैठ आसान होती है, क्योंकि अभी सुनने में ही आ रहा है कि काफ़ी लोग आजकल वहाँ से भाग के इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो यहाँ पे रशियन आर्मी का भी बेसिस है, उन्होंने भी काफ़ी गार्ड कर रखा है यहाँ के बॉर्डर्स को, लेकिन मेनली जहाँ बहुत आसपास गांव होता है उस साइड भी इस साइड भी वहाँ पे दिखती है कि ताजिक की जो आर्मी है वो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही होती है। तो पीछे अभी यही है, बाकी यहाँ तो ऐसे कोई डरने वाली सिचुएशन तो कोई नहीं है अभी तक, तो कोई नहीं है, बाकी आगे क्या होता है उसका देखते हैं भाई। बाकी अभी गाड़ी ढूँढ रहा हूँ, मिल जाए तो कोई बढ़िया है। नो चांस, खाली 4x4 आ रही हैं लेकिन सब भरी हुई हैं, लोडेड फुली। एक भले मानस ने बताया, कह रहा भाई वहाँ मत खड़े रहो, जहाँ आप खड़े हो वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ दूर पैदल चलो, पता नहीं अब आधा किलोमीटर है 3 किलोमीटर है, वहाँ से आपको शायद कुछ मिल सकता है। पीछे आर्मी के भाई लोग जा रहे थे, सलाम वालेकुम कर रहे थे, कुछ नहीं पूछा, अच्छे से स्माइल पास की, वालेकुम अस्सलाम बोला और बोला जाओ। जैसे पीछे की तरफ ये बिल्डिंग दिख रही है, ये अफगानिस्तान की है। ऐसी बहुत सी बिल्डिंग, बहुत से गांव दिखते रहते हैं जो आजकल अब तालिबान के कंट्रोल में है। बीच में किसी किसी जगह तो वाइट फ्लैग भी दिखा था लेकिन उस टाइम पे कैमरा नहीं ऑन कर पाया क्योंकि आर्मी थी आसपास। बड़ा दुख होता है यार सोच के अफगानिस्तान का, इंडिया और अफगानिस्तान के वैसे रिलेशन बहुत अच्छे थे, और पिछले 2 दिन से न्यूज़ आ रही है तो सोच सोच के बहुत बुरा लग रहा है कि जो हुआ अफगानिस्तान के साथ। अब देखते हैं, आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ फाइनली काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद यहाँ से गाड़ी मिल गई है, लेकिन ऐसी 4x4 जाती हैं, लेकिन भाई बैग मेरा ऊपर बांध रहे थे तो मैंने इसमें से लैपटॉप निकाल लिया, लैपटॉप निकालना ज़रूरी है तो ऊपर तो टूट जाता, मैंने वो कहा कि गोदी में रख लेता हूँ, कह रहे नहीं भाई ऊपर ही बांधना पड़ेगा। तो अब ये ले जाएगा मुझे खुरोग तक, यहाँ से भी 250 किलोमीटर है, और रेट के लिए काफ़ी तोल मोल रहा था, लेकिन जब इनको मैंने बताया कि मैं इंडिया से हूँ तो भाई ने कहा कोई बात नहीं अब जो मर्जी मन में आए दे देना, तो वैसे पूरा ही दूंगा मैं, नो वरी। बट अभी चलते हैं। Блин, надо успеть начать.
एक नई अपडेट, एक नया खिलाड़ा पड़ चुका है इधर से। ये चल रहा है हमारा पामीर हाईवे M51, इसको बोलते हैं। गाड़ी देखो कैसे जा रही है जरा, ये देखो। पर अभी मेरी गाड़ी को भी ऐसी जाना है। सीन ये हुआ है कि यहाँ पे रोड ब्लॉक हो गया है, इस साइड पे रोड ब्लॉक है और पता नहीं कब तक ब्लॉक रहेगा। इसलिए दूसरा रास्ता लिया जा रहा है। ये अपनी वाली गाड़ी, यहाँ सब भाई कह रहे थे उधर रोड वाले रास्ते जाओ, मैं कोई नहीं, हम पहाड़ी हैं, हम तो यहीं से निकल जाएंगे। पामीर के पहाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, हिमालयन पहाड़ी तो हैं, ये तो कर ही सकते हैं। मज़ा आ रहा है बाकी। ओ गई 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 गाड़ी, गई मेरे नीचे। ओ भाई क्या ही माहौल, क्या खाए। ये देखो भाई लोग, ये हो रहे हैं पामीर हाईवे के एडवेंचर्स। हालत ख़राब हो चुकी है, धूल मिट्टी में ऐसे फंस के बैठा हुआ था और बहुत परेशानी। और बिल्कुल बगल में है अफ़गानिस्तान, तभी मेरे को दिखी थी, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई तालिबान की गाड़ियाँ कैसे, चार चार गाड़ी चल रही थी एक साथ, हाथों में बंदूक कुछ तो था। जैसे मूवीज़ में देखते ना, टीवी में न्यूज़ में देखते थे कैसे लोग बाहर निकले वो होते हैं ले गए, वैसे जा रही थी। उधर को अगर गाड़ी दिख रही है वो जा रही, वो अफ़गानिस्तान तालिबान की गाड़ी, खैर अलग ही होती है, जीपों में चलते हैं वो लोग, जीप में कूदते हुए हाथों में बंदूक सफ़ेद झंडा गाड़ी पे। अंधेरा भी होने वाला है और अभी भी मैं लगभग 100-150 किलोमीटर दूर होऊंगा जो सिटी है खोड़ो, उससे अभी हूँ इतनी दूर। गाड़ी वो निकल गई, गाड़ी तो वापस पहुंच गई रोड पे, मैं रह गया यहीं पे।